ये सारी जो निकलवाई है मैंने बस स्क्रीन शॉट्स दिखाए हैं, निकलवा लिए आप एक एक करके ट्राई करके जो अच्छी लगी के लिए भी चलिए अच्छी लगी ना। हेल्थ इज वेल्थ, तो अगर आपकी हेल्थ नहीं है इन सारी चीज़ों के साथ आपको अपनी हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना है। मैं अपने पापा को भी कहूँगी क्योंकि वो इतना नहीं करते लेकिन फिर भी वो अपनी डाइट बहुत अच्छी रखते हैं माशाल्लाह से एट दिस एज भी। इसी तरह वो सारे लोग हु आर लाइक वर्किंग सो हार्ड एंड हु आर जस्ट लाइक गिविंग द नाइट एज वेल एज द डेज, अपनी डाइट अच्छी रखा करें, अपनी हेल्थ अच्छी रखा करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर नॉट हेल्दी, इफ यू डोंट हैव दैट एनर्जी लेवल्स, देन हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड योर वर्क, देन हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड योर गोल्स, कैसे आप वो सारी चीज़ें अचीव करेंगे। तो इट्स अ आज का होम टेक मैसेज। एनर्जी लेवल्स बहुत कम है, गला मेरा लास्ट टाइम जिन्होंने मेरा ब्लॉग देखा था, मैंने अनार का जूस पीला था जिसकी वजह से गला मेरा ऑफ हो चुका था, बॉडी पेन, फीवर, गले में दर्द, सारी चीज़ें हो गई। और साथ में जैसे कि हमने लास्ट टाइम अपनी रिपोर्ट्स भी करवाई थी कि मैं बहुत ज़्यादा लेथार्जिक एंड ऑल दैट फील कर रही हूँ, तो रिपोर्ट्स भी कलेक्ट करनी है, एक अभी मैंने वीडियो भी बनानी है जिसके अंदर मेरी हिम्मत नहीं हो रही। देखते हैं घर आते हैं, थोड़ा शॉपिंग का भी मूड है, देखते हैं शॉपिंग की अगर हिम्मत हुई तो हम वो डेफिनेटली करेंगे और अगर नहीं हुई तो फिर कुछ कह नहीं सकते। बाकी आप ऐसा करें कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, आगे अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करके मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें एंड लेट्स गो। तो जी रिपोर्ट्स मैंने कलेक्ट कर ली हैं और जैसे मुझे अपने सिम्टम्स से पता चल रहा था, यस आई एम हैविंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और ये मैं आप लोगों को भी बताती जाऊँ कि जब भी आपको ये सिम्टम्स हों, जैसे मैंने लास्ट में बताया था पाइका हो, चावल मिट्टी खाने का दिल करे, आप ओवरऑल लेथार्जिक फील कर रहे हो, टायर्ड फील कर रहे हो, सांस चढ़ रहा हो एंड इवन एट रेस्ट भी, और एंग्जाइटी वगैरह फील हो रही हो, तो और आपके नेल्स ब्रिटल हो रहे हो, हेयर फॉल हो रहे हो, तो सारी चीज़ें आयरन डिफिशेंसी एनीमिया को शो करती हैं। एनीमिया इसके आपका खून में कमी है और फिर उसके अंदर आयरन की भी कमी है। आयरन एक बड़ा स्पेसिफिक हमारी बॉडी के अंदर कंपोनेंट होता है, रोल प्ले करता है हमारा HB बनाने में और हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। तो दैट्स द रीज़न कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग जाती है, सांस चढ़ता है अगर आप कुछ भी करते हो, सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स को सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं जा रही होती। और हाँ एक और सिम्टम है कि अगर आपके हाथ पांव सुन्न होते हैं तो दिस ऑल्सो शोज के दैट इट इज़ आयरन डिफिशेंसी एनीमिया, जो कि हो भी रहा था मेरे साथ। सो या दिस इज़ द कॉज, इतनी मेरी कोई अच्छी डाइट है नहीं, तो दिस इज़ डेफिनेटली ट्रीटेबल। अब जो है आई वुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर द ओरल मेडिकेशन, ओरल आयरन टेबलेट्स, तो देखते हैं वो शुरू करते हैं क्योंकि अभी भी एक तो मेरा गला ख़राब हो गया, ऊपर से फिर ये वाली चीज़ें तो वैसे ही इतने दिनों से चल रही थी, तो मतलब दोनों चीज़ें हैं एंड आई एम जस्ट लाइक पुशिंग माई सेल्फ टू मेक अ ब्लॉग फॉर यू गाइस। सो उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं मैं जल्दी से ठीक कर लूँ, ठीक हो जाऊँ और रिकवरी हो जाए इस आयरन डेफिशिएंसी की। तो बाकी आप लोगों को भी एक आप लोगों की नॉलेज में इजाफा, और आप क्योंकि फीमेल्स होती हैं, दे 90% ऑफ द फीमेल्स इन पाकिस्तान दे आर हैविंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम। और जब एक फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है फर्स्ट टाइम में जब होती है, तो तब तो उसके अंदर मार्केटली रेज होता है आयरन डेफिशिएंसी ने, दैट्स द रीज़न कि हम प्रेगनेंसी से पहले भी और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी हम फीमेल को पहले भी 3 मंथ्स आयरन भी देते हैं, फॉलिक एसिड भी देते हैं। सो या लेट्स गो। अच्छा जी, तो सीन ये है कि पहले किरण मेरे साथ थी, वैसे मैं किरण के सामने अवॉइड करी थी बोलना, तो उसने अपने ड्रेस वगैरह देना था दर्जी को, तो उसने टेलर को दे दिया, मैंने उसको वापस घर ड्रॉप कर दिया। अब कुछ चीज़ें जो अपनी लेनी है वो लेते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी वो करते हैं। बीच में आई टॉक टू वन ऑफ माई प्रोफेसर ऑनरेबल डॉक्टर अफजल, उनके भी माशाल्लाह से 3-3 चैनल्स हैं यूट्यूब पे, ही इज़ डूइंग वेरी ग्रेट माशाल्लाह। तो वो बस उनसे यही अपनी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आई वाज लाइक डिस्कसिंग, तो वो कह रहे थे कि स्ट्रेस कम लिया करो, ऑब्वियसली बात है एंड ऑब्वियसली बात है मेरी कोई इतनी अच्छी हेल्दी डाइट नहीं है, तो मैं उनको ये कह रही थी कि दैट आई वोंट डिनाई कि मुझे स्ट्रेस नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत सी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं सारे दिन के अंदर, दिमाग हर टाइम आपका चल रहा होता है, आपने ये भी करना है वो भी करना है, तो ये चीज़ें आसान नहीं होती हैं। लोगों को देखने वालों को लगता है व्लॉगिंग है अच्छा, बाकी चीज़ें हैं, वीडियोस हैं, ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा इनपुट चाहिए होता है इन सारी चीज़ों को सामने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। तो फिर वो मुझे कह रहे थे कि कुछ टाइम अपने आप को भी दिया करो, बच्ची बन जाया करो एंड ऑल दैट, इन्जॉय किया करो अपनी लाइफ को। तो उसमें मैं उनको बोला कि कुछ अच्छे लोग भी होने चाहिए ना लाइफ के अंदर जो आपको स्ट्रेस फ्री रखें, जो दोस्त कैन बी अ रीज़न कि आप खुश रहो या खुश घूमो फिरो बाहर। तो एज सच तो आपकी बहन की ज़िंदगी के अंदर कोई अच्छे लोग नहीं हैं जो आपकी बहन को स्ट्रेस फ्री माहौल दें। तो फैमिली वालों को छोड़ के फैमिली वालों का और सीन होता है, जैसे आप बाहर जाते हो दोस्त वगैरह, ऐसा मेरे नहीं है जो कि मुझे जो हैं
एक थोड़ा हम निकल जाएं और फन एक्टिविटी करें दोस्तों के साथ, और चीज़ होती है तो दोस्त आपकी बहन के कभी रहे नहीं है। तो बाकी इंशाल्लाह अब इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। अभी मैं अपनी मेडिसिन लेती हूँ विच आई हैव टू टेक डेली, ठीक है। आयरन मेडिसिन जिन लोगों के ले रहे होंगे उनके भी आइडिया होगा। बाकी आपने जो है एम्प्टी स्टमक ना लें, इट्स बेटर आप खाने के बाद ले लें ताकि आपको स्टमक अपसेट वगैरह आपकी चीज़ें ना हो। तो लेट्स गो जी, शॉपिंग करते हैं थोड़ी बहुत, आपको दिखाते हैं फिर। लेट्स गो। ये उन लोगों के लिए, आज का सारा लोग थोड़ा पढ़ा लिखा हो गया जो लोग कहते हैं कि कंजा को डॉक्टरी के अलावा सब कुछ आता है, ऐसी बात नहीं है। 2021 में आई मेड अ मेडिकल चैनल लाइफस्टाइल विद डॉक्टर कंजा, वहाँ पे अभी भी मेरी मेडिकल की वीडियोज़ पड़ी हैं, आप जाके देख सकते हैं कि दैट। उस पर भी मैं बहुत इनपुट देती थी, बहुत ज़्यादा उस पर भी मेहनत होती थी। इस चैनल के ऊपर भी बहुत मेहनत होती है, मेहनत हर काम में होती है। लाइफ में कोई भी चीज़ आपको इजीली आपके पांवों कदमों में आके नहीं मिलेगी, आपको उसके लिए वर्क करना है, उसके लिए मेहनत करनी है, उसको टाइम देना है, उसमें अपना दिमाग लगाना है, फिर ही आपको एट द एंड ऑफ द डे सक्सेस मिलती है। ऐसे घर में बैठे बैठाए कमेंटिंग करने से या ऐसे घर में बैठे बैठाए आपको कुछ नहीं हासिल होगा लाइफ में, कुछ भी नहीं। सो बाकी वहाँ पे अभी रश बहुत ज्यादा था, देयर वाज नो पार्किंग स्लॉट, और आगे जहाँ पे काफी ज्यादा मर्द हजरात बैठे हुए थे तो फिर हम नहीं रुके वहाँ पे, आगे चलते हैं। आई ऑल्सो हैव टू गेट माई बैग, हैंड बैग अच्छा सा लेना है, वो तभी गई थी जब दुबई गई थी, तो तभी लिए थे अपने लिए, उसके बाद से आई हैवंट शॉप्ड फॉर माई सेल्फ। इट्स बिन अ वाइल मैंने अपने लिए शॉपिंग नहीं की यार, इट्स बिन अ वाइल। सही सर सही बोल रहे थे, अपने आप को थोड़ा टाइम दिया करो ना, मुझे कोई लेकर कौन ही जाएगा, मतलब यार वो तो आती छोड़ दो कि कोई मुझे लेकर जाए फॉर द शॉपिंग, बट द थिंग इज दैट कि मैं अपने आप को खुद नहीं लेके गई, वरना मैं वो बंदी थी जो हर महीने अपने लिए शॉपिंग करती थी। हर महीने आई यूज टू गो सैलून, हर महीने आई यूज टू इन्वेस्ट ऑन माई सेल्फ, बट जब से आई हैव बीन डूइंग दिस ऑल, और इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है कि दैट मैंने अपने आप को टाइम देना ही छोड़ दिया है, मैंने अपने स्किन को टाइम देना छोड़ दिया, बालों को, अपनी हेल्थ को, कुछ भी नहीं यार। लाइक मैं आज देख रही थी कि एक तो मैं लाहौर पोस्टी रहे सारे कपड़े लाहौर हैं, तो मेरे पास तो कपड़े भी नहीं थे यार ब्रो, आपकी बहन तो बहुत ज़्यादा ऑफ हुई हुई है। तो डेफिनेटली आज कुछ हम अच्छे से आर्टिकल्स पकड़ते हैं, चलते हैं पहले हैंड बैग अच्छा सा लेते हैं, वो भी मैंने स्क्रीन शॉट रखा हुआ है। लेट्स गो जी। अब हम पहला स्टॉप है लाइम लाइट, यहाँ पे अच्छे बैग की कलेक्शन आई हुई थी, देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या मिलता है। और अच्छा सीन ये है कि मैं किरण को इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि किरण मोस्टली शी गेट एग्जॉस्टेड, अगर उसका खुद का काम हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ पे मेरा काम था, थोड़ा टाइम लगेगा आराम से। मुझे होता है कि जब भी मैं कोई चीज़ ले रही हूँ तो मैं वो ट्रायल करती हूँ पहले, तो पहले अंदर जाते हैं आराम आराम से चीज़ें लेते हैं। इस वजह से किरण को मैंने घर ड्रॉप कर दिया था, उसका मूड भी नहीं था, शी वॉज़न्ट रेडी ऑल्सो। बाकी मैंने मानूर उसको होने में, हीरा उसको होने में, तो उनको भी नहीं पूछा, तो बस अपनी मदद आप करते हुए अपने लिए हम शॉपिंग करने चलते हैं। लेट्स गो। बैग ले रही थी तो मैं सोची मम्मा के लिए भी बैग एंड ड्रेस अच्छा था, ईस्टर्न ड्रेस था, मैंने ले लिया, अच्छा है। बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी यार, दूसरा जो ड्रेस लिखवाया था वो तुमसे ट्रायल ही नहीं हुआ, वो तुमसे ट्रायल ही नहीं हुआ। और एक मैंने मामा के लिए वॉलेट लिया प्यारा सा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम शी जस्ट लाइक यूज टू ग्रैब द मनी इन हैंड विच डोंट लुक गुड, तो मैंने उनके लिए ले लिया, उनको जाके देंगे अभी। और अब हम चलते हैं आउटफिटर्स के बाहर, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड, यू कैन से दैट। तो अभी वहाँ पर देखते हैं, अब तो कुछ थोड़ा ईजी हो गया होगा, और आई गेस 10 बजे वाले, 10 बजे तो बंद भी हो जाती शॉप्स, बट शायद 11 बजे तक खुली रहती, मुझे नहीं पता। चलते हैं और देखते हैं और वहाँ से जल्दी जल्दी से चीज़ें पकड़ते हैं, बहुत गर्मी है यार। ट्रायल रूम वालों, आप लोग अपने प्लीज़ ट्रायल रूम में भी ACs लगाया करो। ये जी आउटफिटर्स आ गए, अब हम लेट्स सी आउटफिटर्स पे, बहुत से आर्टिकल्स मैंने देखे, स्क्रीन शॉट निकाले हुए हैं, चलते हैं और देखते हैं क्या लेते हैं। टाइम टू ट्वेंटी, ये सारी जो निकलवानी है मैंने, बस स्क्रीन शॉट दिखाए हैं, निकलवा लिए आप एक एक करके ट्राई करके, जो अच्छी लगी के लिए मुझे नहीं अच्छी लगी। 3 days later, पता नहीं मैंने 20 आर्टिकल्स लिखवाए थे जिसमें से मैंने सिर्फ 3 लिए हैं, और बाकी कोई कलेक्शन अच्छी नहीं थी। और हमेशा गर्मियों में एक चीज़, पानी अपने साथ रखा करें। मैं इस टाइम, मेरा माउथ इट्स सो ड्राई, घर चलते हैं मेडिसिन लेते हैं। किरण ने कहा है उसके लिए खौसौंत, खौसौंत
आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट मुझसे नहीं होती इसकी सही प्रोनाउंसिएशन। खोसों खोसों उसके लिए लेना है, वो लेते हैं फिर घर चलते हैं। अच्छा जी, मेडिकेशन मैंने ले ली है, बिसलेरी के कैप्सूल्स हैं, इसमें च्यूएबल फॉर्म भी मिलती है, ठीक है, लेकिन मैंने ओरल ली है, तो इंशाल्लाह ये खाना शुरू करते हैं और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। एरेंडा भी जैसी नहीं है कोई, अगर मेरे इर्द गिर्द आप लोगों में से भी अगर किसी औरत को या मर्द हजरात को ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो आप अपना CBC करवाएं। CBC स्टैंड्स फॉर कम्प्लीट ब्लड काउंट, उसके अंदर आपने MCV, MCH, MCHC की वैल्यू देखनी है, वो आपकी लेस होगी, दैट शोज यू आर हैविंग माइक्रोसेटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया विच इज मार्केटली सीन इन आयरन डिफिशियंसी। ठीक हो गया जी। लेट मी शो यू गाइज माई द रिपोर्ट, कि आपको किस तरह से एक CBC की रिपोर्ट देख कर ये पता चल जाएगा कि दैट यू आर हैविंग माइक्रोसेटिक हाइपोक्रोमिक, मतलब माइक्रो मतलब कि आपका जो RBC है उसका साइज छोटा है इसलिए हम उसको माइक्रोसेटिक बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक मतलब कि आपका जो RBC के सेल का पिगमेंट है, लाल कलर जो पिगमेंट है वो हल्का है, तो दिस शोज माइक्रोसेटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया जो कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में होता है। चेक दिस आउट। अच्छा जी, ये MCV, MCH और MCHC ये मेरे सारे ही कम हैं, ठीक है, तो दिस शोज कि आई एम हैविंग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, और HB की जो वैल्यू है वो भी मेरी 9.9 है। बिस्मिल्लाह करते हैं, किरण का अब ज़्यादा मैं पढ़ाई यहाँ पढ़ाने लग गई ना तो आप लोगों ने बोर हो जाना है, तो अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, किरण का हम खुद सोन लेते हैं और घर चलते हैं, घर जाकर मम्मा को उनका वॉलेट देते हैं, वहाँ पर करेंगे हम अपने ब्लॉग को एंड। और चलिए, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताओ बस क्वेश्चन थी लेना ना, और तो कुछ नहीं लेना? हाँ बस और कुछ नहीं। कैसे प्रोनाउंस करेंगे? क्रोसोन, क्रोसोन, क्या सॉरी, क्रोसोन, क्रोसोन, काउंटर में पड़ा हुआ सामने, इसका वैसे असल प्रोनाउंसिएशन इसकी होती है क्रोसोन, 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 सामने काउंटर पे पड़ा है। अच्छा और तो कुछ नहीं लाना मम्मा के लिए? पूछ लो उनसे, पूछ लो एक दफा, मैसेज कर देती हूँ। हाँ जल्दी से करो मुझे, ओके मैं बाहर ही खड़ी हूँ फ्रेंड्स के। ओ जी मैं बिल्कुल ठीक कह रही थी, इसकी असल प्रोनंसिएशन है क्वासन, 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 वाह जी वाह, दीदी वाह दीदी। नहीं नहीं पूछते हैं किरण ने क्या वॉइस नोट किया। नहीं कुछ नहीं बोला, एक मिनट, पिज्जा भी ले लेना, मिनी पिज्जा, पिज्जा भी हो गया किरण की डाइट के अंदर, मम्मा ने कहा कुछ नहीं खाना, लेट्स गो अंदर से चीजें पकड़ते हैं। Few minutes later. तो जी घर आ गई हूँ मैं और मम्मा और पापा सो रहे हैं, मुझे था कि मैं मम्मा और पापा से आपकी मुलाकात कराऊंगी, मम्मा को दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग, लेकिन मम्मा और पापा तो सो रहे हैं क्योंकि अभी 11:30 के करीब हो चुके हैं, तो फिर ऐसा करते हैं कि व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।